बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए इसको कच्चा अंडा बोलते हैं गुब्बी। अब मैं आपको बता दूं कल एग्जैक्टली हुआ क्या है मेरे साथ। मैं जिसका ब्रेकअप हो गया है, शायद कभी शीशा देखा है। इन ओल्ड राजेंद्र नगर मस्त एक यूपीएससी वाला वीडियो आने वाला है। हे गाइस, ये मैं लेकर आई थी कि मुझे खाना था, मैं ऐसे खा रही हूँ, ठीक है, एक खा रही हूँ ऐसे, देखो मुंह में गौरव भाई ऐसे और गौरव ऐसे गुब्बी यार ऐसे करते करते पूरा ही खत्म कर, मैंने चार खाया इसका इतना पूरा खत्म कर दिया। अच्छा, जो आपके लिए दूसरी बार बनवाया मैंने वो मेरे लिए बनवाया, दूसरी बार भी तूने ही खाया, फिर से नहीं खाया वो भी, मुझे और खाने का मन था। तू ऐसे मुट्ठी भर भर के नहीं, वो कोई मजा नहीं आता ना, एक शेयर कर गुब्बी। जब तक मैं नीचे लेके आई थी खत्म। अब मैं आपको बता दूं कल एग्जैक्टली हुआ क्या है मेरे साथ। एक्चुअली मैं दिल्ली से गया था जयपुर, मैंने एक शो करा था जयपुर से, फिर मैं गया था हैदराबाद से मैं आया था दिल्ली। अब मैं क्या करता हूँ, जब ऐसे एक दो दिन का ट्रिप होता है ना, जैसे तो मैं एयरपोर्ट पर गाड़ी खड़ी कर देता हूँ ताकि जाऊँगा एक दिन की पार्किंग लगेगी और वो लेकर रात को वापस आ जाऊँगा अपने आप। मैं इसलिए टर्मिनल एक ही टर्मिनल से फ्लाइट लेता हूँ, जिस टर्मिनल से निकलो उस टर्मिनल से वापस आ जाओ। इस बार भाई क्या हुआ, मेरी को जाने की फ्लाइट मिली टर्मिनल टू से, मैं टर्मिनल टू से गया, मैंने गाड़ी टर्मिनल टू पर लगा दी भाई। वहाँ जाके मैंने फ्लाइट देखी तो जो मेरी रिटर्न फ्लाइट थी वो टर्मिनल वन की थी। अब टर्मिनल वन टर्मिनल टू सोच के लग रहा होगा कि क्या है, पर बहुत दूर है ये, करीब 20 मिनट है गाड़ी पे। और रात की रिटर्न फ्लाइट भी मेरी पहुंचनी थी 12:30 बजे रात को दिल्ली। भाई हैदराबाद से वापस एक तो फ्लाइट लेट हो गई, 12:30 का 1 बजे पहुंचा, 1 बजे मैं टर्मिनल से निकल के कैब ली, पहने कैब लेके पहले मैं आया टर्मिनल टू 500 रुपये देकर के कि चलो गाड़ी लेके चलते हैं। गाड़ी की पर्ची कटाई, 2 दिन की पार्किंग लग चुकी थी भाई। गाड़ी निकालने आया रात को 1:30-2 बजे, सारा गाड़ी पंचर निकल गई यार। ऐसा भाई मेरा खून अंदर से खोल गया ना, एक तो मैंने सोचा पहले पंचर वो स्टेप नहीं बदल लेता हूँ, ठंड इतनी उड़ती, मैंने कहा कौन ही बदले स्टेप नहीं, घर चलो। तू जाती है स्टेप नहीं बदलनी, कभी बदला है तूने? शायद स्टेप नहीं बदलनी किसको नहीं आती है, मुझे मैंने कभी नहीं बता छूट, कभी नौबत भी ना आया यार। इसके नीचे पता है लोग वाला कमेंट करेंगे, विमेन टी मतलब एक नहीं बनाते विमेन और नीचे चाय बना देते कि तुम बस चाय बनाओ है, ऐसा कमेंट नहीं चलता आजकल, एक चलता होगा पता नहीं इसमें क्या है यार। मैं तो मानती हूँ मैन आर द बिगर स्पीशीज, तो मैं आदमी को बोलती हूँ कोई भी अगर हो, मैंने कहा भैया प्लीज हेल्प कर दो यार, उसमें क्या शर्माने वाली बात है, तो वो भी खुशी खुशी करते हैं वाओ। हे गाइस, मैं और गौरव अभी एक डिस्कस कर रहे हैं एक फ्रेंड के बारे में जिसका ब्रेकअप हो गया है, तो हमें बड़ा मजा आता है पता है ऐसे चुगली करने दोनों पति पत्नी बैठ के। जैसे गौरव बोला तो यार वो तो होना ही था, बिकॉज शी लुक्ड क्वाइट आउट ऑफ हिज लीग, तो मैंने बोला हाँ आउट ऑफ द लीग थी तो थी थोड़े भी क्या मैं भी तेरे आउट ऑफ द लीग थी, शायद ने कभी शीशा देखा है मुझे तो लगता है I was out of your league। तुम्हें पता है कितने लड़के काइंड ऑफ पता तो चली जाता है ना लाइन मारते हैं, कोई नहीं मारता था आपके भी तो कितना गंदा बोल रहा है इतना तू खुद को क्या समझ रहा है, बड़ा 30 मार्क मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो वहीं बद्दा, ले लो मैं तो हूँ अगली तो मैं तो नहीं हूँ अगली भैया तुम हो गए जो छोड़ कर जाएगा उसके लिए म्यूजिक प्ले करवाएंगे, तो हमने 4-5 लोगों ने मिलकर उसके लिए गाना बजवाया था, जाने नहीं देंगे तुझे गुबी, तब तो हमारे बीच चल रहा था वैसे, तो शायद 5 लोगों ने मिलकर बजवाया था ना, 5 लड़कों ने गुबी, तो उसमें से एक भी तू भी था ना, हाँ तो उनमें से शायद 2 की तो शादी भी रखी थी, फिर भी गाना तो इमोशन के साथ गाना तो बजवा ही सकता ना इंसान, तो तूने करी क्यों फिर मेरे से शादी, करता ही नहीं बद्दी थी देखने में, तो मैंने ऐसे बद्दा नहीं बोला आपको, मतलब यू लुक गुड बट या नहीं गुब्बी बोला मेरा सर दुख रहा है ना, हाँ तो ये ऑफर करना चाहिए ना, श्रेय ठीक है दवाई नहीं है तो मैं जाकर ले आता हूँ सर दर्द की, तू श्रेय दवाई लेके सर दर्द की, अच्छा तुझे मुक्का मार मार के भेजा है मैंने दवाई लाने के लिए, जा गुब्बी लेकर आ, पानी भी तो दे, और तो काउंटर दवाई ऐसे नहीं खाते हैं गुबी, लेकिन ऐसे इमरजेंसी के लिए रहनी चाहिए ना, क्या अभी मेरा कुछ ठीक लग रहा है ऐसे सर दर्द, नहीं खानी मतलब थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है, जबरदस्ती क्यों दवाई खिला रहा है मुझे क्या सच में गुबी, मैं तब मेरा बहुत जोर से सर दुख रहा था पता है, खानी है कि नहीं खानी है,
सर्दी में और भगवा दिया नीचे दो दो जैकेट पहन के गया तो था ना वो तो मैं तो नाटक करने के लिए भेजा क्या हाँ प्यार से बोल मैं 5 मिनट में वापिस आया हूँ अचानक से आपको सरदर्द कैसे सही हो गया श्रेया गुस्सा आ रहा है गुब्बे अब मैं क्या करूँ यार मेरी भी हालत ऐसी है प्लीज मुझे माफ कर दो जी आज किचन में घुसे हैं आज कौन सी शुभ मुहूर्त बताइए अवोकाडो निकाला है हाँ बताओ गुआकामोले बनाऊंगा गुआकामोले प्याज काट लिया गौरव ने प्याज काटा वाह यार ये लहसुन ये ना गुब्बी चम्मच से निकालना क्या कर रहा है ये गुब्बी कोई ये देख के कोई हमारे घर में खाना खाने नहीं आएगा पता है तो छोड़ नींबू वहां पे ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना नमक और ब्लैक पेपर बस परफेक्ट गुआकामोले बना अगर आप चाहें तो आप प्याज भी अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ हल्का सा लहसुन ऑलिव ऑयल लहसुन भी नहीं चाहिए तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा सा नींबू नमक ब्लैक पेपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल बस ऐसे भी बना सकते हैं बनाएंगे स्क्रैम्बल्ड एग्स परफेक्ट स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने का तरीका आप बनाओगे मैं खाऊंगा मेरा हो गया आज का कुकिंग मुझे ना पहले मुझे एग येलो अच्छा नहीं लगता था तो मैं हमेशा ऑमलेट भी एग वाइट का खाती हूँ बट ये वाला बनाने के बाद इतना अच्छा लगेगा ना इसे अच्छे से फेटो 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 और इतना सिंपल और इतना टेस्टी जैसे होटल ये सब में देता है ना एकदम सॉफ्ट फ्लफी स्क्रैम्बल्ड एग्स मैं बनाती हूँ जैसे गड़ागड़ इसमें नमक वमक कुछ डालने की जरूरत नहीं है हमारे घर में ना कभी ऐसा फालतू सामान खरीदे नहीं जाता था जो काम चम्मच से हो सकता है चम्मच से ही कर दो नहीं होता तो उसमें अच्छे से विस्क नहीं होता विस्क नहीं होता विस्क भी नहीं करते अब देखो ट्रिक क्या है अब ट्रिक ये है कि हम इसे रखेंगे बहुत ज्यादा हीट नहीं करेंगे हल्का सा थोड़ा सा हीट करेंगे बटर बटर में थोड़ा सा जेनरस होना पड़ेगा उससे टेस्ट बेटर आता है जाहिर सी बात है जिसमें बटर ज्यादा टेस्ट अपने बेटर हो जाता है और मुझे ना ऐसे कच्चा बटर खाने में श्रेया मत खाओ प्लीज श्रेया मेरे को इसको देख के कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वाह यार आई लव बटर ठीक है मीडियम हाई हो गए अब इसे डालिए नमक वमक अभी कुछ नहीं डालना है ठीक है और इसे धीरे धीरे करके देखो स्पैचुला ना इस टाइप का होना बहुत जरूरी है वाह कितना पुराना है ये स्पैचुला पे स्पैचुला पे हल्दी क्यों लग गई श्रेया ये देख अब इसे हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे करते रहे तो इसमें ना बहुत अच्छे से ऐसे रेसे से बनते रहेंगे लग रहा अंडे कस्टर्ड बन रहा है हाँ वैसे ही लगेगा कम करो एकदम इसका ट्रिक ये है कि स्लो में बनाना इसे और बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना शे ओवर कुक ना करने जब कच्चा मत दे देना नहीं होगा कच्चा गोभी तू पहली बार खा रहा है क्या हमेशा तो बना के देती हूँ ना तुझे मैं पर ये चिपक क्यों रहा है ओए ओए बैगन ओए अंडा ये देख रहे हैं ये देख रहा है सॉफ्टनेस फ्लफीनेस फ्लफीनेस देख रहा है ये देख रहा है इतना तो कुछ दिख नहीं रहा जितना आप दिखा रहे हो ये जो भी है ये ना सुखा के देना एटलीस्ट तुझे से गीला गीला नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता इसलिए इसको कच्चा अंडा बोलते हैं इसमें नमक डाल जल्दी से डाल जा लेकर ज्यादा नहीं है जाएगा और ऊपर से हम इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर डाल देंगे हां एंड वी विल सॉर्टेड ये देख ये देखो इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऐसे ज्यादा मत डालो मेरे को पसंद नहीं है ब्लैक पेपर बस हो गया हो गया और ये प्लेट हो चुकी है स्क्रैम्बल्ड एग एवोकाडो एंड हीटर के सामने रोज का ब्रेकफास्ट यही कर दो पता मैं अभी ऐसे ही जीना चाहता हूँ तो दोस्तों आज अनअकैडमी का एक शूट करा है हमने ठीक है ये डिलीवरेबल का पार्ट है नहीं पर मैंने कहा बना लिया जाए कोई बात नहीं मज़ा आ रहा है तो यूजुअली कभी भी ट्रैवल करते ना एक जगह से दूसरी जगह शूट के लिए कार होती है वैन होती है यूजुअली इनोवा होती है वैनिटी वगैरह होती है आज ये रही दोस्तों हमारी वैनिटी बैटरी रिक्शा ये देखिए मैं और मधुरकर सर अभी दिख रहे दिखाता हूँ आपको पर जबरदस्त माहौल फर्स्ट टाइम बैटरी रिक्शा में पूरी की पूरी टीम अन अकेडमी के मार्केटिंग टीम डायरेक्शन टीम और ये आउल्ड एजेंसी की टीम भी सब लोग क्लाइंट जिनको खुश करना है पहला आर्टिस्ट भाई मैं देख रहा हूँ और हमने क्या करा है इसमें भी हमने लग्जरी कर ली है कि हमने पूरे दिन के लिए रिक्शा बुक कर दिया ऐसा नहीं कि हर जगह रुक करके भैया 20 रुपये ले लो राजेंद्र नगर में छोड़ दो इट्स गुड फन टुडे इन ओल्ड राजेंद्र नगर मस्त एक UPSC वाला वीडियो आने वाला है बस एक होता है UPSC देना एक होता है UPSC ना देना एक होता है UPSC के बारे में सोचना ही नहीं उसमें से हूँ
और आज मस्त हमने शूट करा एक। और दोस्तों जिनके साथ हमने शूट करा है वो है मधुरकर सर, इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया। तो एक दिन थोड़े दिन के अंदर अकेडमी के चैनल में मस्त वीडियो आने वाली है मधुरकर सर और ये नक्श। भाई मेरी गाड़ी तेरे भरोसे है, पहले बता रहा हूँ। ये दोस्तों ये इनकी वैनिटी और ये रही हमारी वैनिटी भैया के साथ। अनअकैडमी से कहना चाहते हैं बजट कम क्यों है इतना, ये 20-20 रुपए की। भैया आपको कितना दिया दिन का, कितना दिया दिन का है? 1,000 रुपीज़ भाई। रिक्शा वाले भैया घुसा है भैया, क्या 33 रुपए इकट्ठे करते रहते, 1,000 वाला मस्त सही है भैया, ऐसा रोज मिल जाए तो मजा आ जाए। नहीं okay guys, so that was the end of today's vlog. I hope you liked the vlog. If you liked the vlog, then do subscribe to the channel. Next vlog is going to be out very soon. इस हफ्ते का टारगेट है 4,12,000 सब्सक्राइबर।